हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासीनेस विद उन्नति। सो गाइस, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ट्राई किया था, शेयर किया था स्टाइल केयर फिलिप्स का, जो स्टाइल केयर ब्रश था जिससे मैंने आपको बताया था हम कितने इजीली अपने हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं 5 मिनट में। सो उसी से ही मुझे एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग आज ट्राई करें आयनिंग वर्सेस स्टाइल केयर कोम ब्रश, सॉरी, जो कि फिलिप्स के ही है दोनों प्रोडक्ट, और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आपको दिखा दूँ कि स्टाइल केयर का जो ब्रश है फिलिप्स का, उसमें हम लोग स्ट्रेटनिंग कितने टाइम लेते हैं, जो कि वो तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, और आयनिंग करते टाइम हम लोग को कितना टाइम लगता है और कितनी देर में हम अपने बाल स्ट्रेट कर लेते हैं और दोनों के रिजल्ट क्या होते हैं। हालांकि मैं दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह, दोनों ही अपने अपने जॉब्स अच्छे करते हैं, अपने जॉब्स बेटर करते हैं, बट स्टाइल केयर में क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम का जो प्रॉब्लम है वो सेफ लगता है और बाल बहुत ज़्यादा उसमें नहीं टूटते हैं, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। बाकी दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट आयनिंग से जो आपको बेस्ट और स्मूथ रिजल्ट आएगा वो आपको आयनिंग से ही आएगा, वो मैं आपको अभी अपने साथ दिखा देती हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये है मेरा स्ट्रेटनर, ये है कारा शाइन फिलिप्स का, ये भी फिलिप्स का है, और ये है मेरा स्टाइल केयर ब्रश, ये भी फिलिप्स का है। यू कैन सी बोथ आर फ्रॉम फिलिप्स, ये फिलिप्स के है, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं कोई इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, दोनों मेरे पर्सनल परचेज है। मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर सकती हूँ और मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि हम लोग ये दोनों किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस में अपना टाइम सेव करेंगे और किस में अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्टेड। मैं इनको ऑन करने के लिए रख देती हूँ दोनों को। पहले मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाऊंगी अपने बाल, ये पहले मैं इसको ऑन कर रही हूँ। ये ऑन हो चुका है, इसका एक ग्रीन बटन यू कैन सी स्टार्ट हो गया है। मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ये वाले पार्ट पे मैं आपको आयनिंग करके दिखाऊंगी, इसको मैं भी स्विच बोल देती हूँ, यहाँ पर इस वाले सेक्शन को मैं अपने रबर की मदद से टाई कर लेती हूँ ताकि ये वाले हेयर में कोई डिस्टर्ब ना करे। अब ये वाला सेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। आयनिंग से ये है कि हमें बेस्ट रिजल्ट, स्ट्रेट का बेस्ट रिजल्ट ही मिलता है क्योंकि अपने बालों को बिल्कुल इस तरह से खींचता है और छोटे छोटे सेक्शनिंग में हम करते हैं। सो मैं ये दिखा देती हूँ आपको अभी, ये गर्म हो चुका है। सो मैं पहले पीछे से स्टार्ट करूँगी अपने हेयर। इसको कनेक्ट कर लेती हूँ अपने बालों को। सो मैंने अपने ये रबर बैंड से टाई किए हैं क्योंकि मेरे सेक्शन पेंस मुझे मिल नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैंने ऐसे किए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से स्ट्रेट करते हैं। मैं थोड़ा सा और छोटा सेक्शन लूँगी क्योंकि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा भी हुई है। ये हो गया है, मैं इससे दूसरा सेक्शन लेती हूँ। बालों का रिजल्ट इसमें अच्छा आता है बट हमारे बालों में हीट ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेरे तो बाल टूटते भी बहुत ज़्यादा है।
बट हाँ, आपको अच्छा फाइन रिजल्ट चाहिए तो हैंडिंग बेस्ट है। अब मैं ये अपना रबर बैंड निकाल के दूसरा सेक्शन लूंगी। ये दूसरा सेक्शन मैंने ले लिया है। ये हम लोग इंडियंस हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा जुगाड़ कर ही लेते हैं। इसको भी मैं दो पार्टीशन में करूंगी। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ सेटिंग क्लिप्स ना होने की वजह से। हालांकि इसके लिए मुझे दो पार्ट्स में करने चाहिए थे, कर ही देती हूँ उनको। ले लेती हूँ सब पे मैं कट एक बार हाइडिंग कर देती हूँ। ये बहुत स्ट्रगल वाला काम मेरे साथ हो गया है बट करना तो है ही। ये मुझे आधे ही सेक्शन में करना होगा। इसके भी वही दो या तीन सेक्शंस में मैं करूंगी। वैसे ये दो में हो जाएगा। हम तीन ही सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं।
से बाल बहुत टूटते हैं और बहुत ज़्यादा खींचते हैं। इसमें हीट बिल्कुल दोनों तरफ से लगती है, बहुत तेज हीट लगती है बालों में। आपको मेरे बाल टूटने की आवाज भी आ रही होगी क्योंकि मेरी लाइनिंग में मेरे बहुत सारे बाल निकल भी गए हैं। बहुत टाइम लगता है इनमें, बट जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वो आइनिंग से ही आता है और बाल भी बहुत जाते हैं। बट सेक्शन थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए मुझे क्योंकि बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और आगे के बाद जल्दी बेबी होता है, तो मैं थोड़ा और छोटे सेक्शन लेके करूँगी। सो ये है रिजल्ट आयरनिंग का जो कि आप देख सकते हैं। मुझे थोड़ा बाउंस पसंद है इसीलिए मैं सी ये है रिजल्ट आइनिंग का रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों को टाइम भी दिखा चुकी हूँ कितना लगता है इसमें। सो अब इसको हम कर देते हैं ऑफ। अब मैं अपना आपको स्टाइल केयर का रिजल्ट दिखाऊंगी, आई मीन ये कितनी जल्दी हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इसको ऑन कर लिया है, सी थोड़ा गर्म हो जाए। अब ये वाला सेक्शन हम खोल देते हैं। अब ये मेरा बेस्ट पार्ट है क्योंकि मुझे इसमें कोई कॉम नहीं करना, कोई सेक्शनिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मेरे ये बाल थोड़े बाउंसी लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम स्मूथ एंड नीट। सो ये गर्म हो चुका है, वैसे ही गर्म भी जल्दी होता है। पहले मैं अपने हेयर कॉम कर लेती हूँ, जब तक ये थोड़ा और गर्म हो रहा है मैं अच्छे से कॉम कर लेती हूँ और इसी से ही मैंने कॉम भी कर लिया। मुझे उसमें जो बेस्ट लगता है वो ये लगता है कि जो सेक्शन वाला है पंगा ये इसमें नहीं है। सो
सो ये एक ही चीज़, बट हाँ अच्छे रिजल्ट के लिए हमें आइनिंग ही करनी चाहिए। जब हमें किसी शादी पार्टी में जाना है, कुछ करना, तो आई थिंक आइनिंग बेस्ट है। और जब किसी मीटिंग के लिए, जल्दी किसी शॉपिंग के लिए, जल्दी किसी चीज़ में हो, बहुत हम लेट हो गए, तो ये बेस्ट है। सो ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है, मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ आपके सामने। कैन सी बाल स्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं और टाइम भी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, ना कोई कोमिंग का बार बार झंझट है, ना सेक्शनिंग का झंझट है। यार इससे जल्दी और क्या होगा, और आई थिंक इतना बेकार रिजल्ट भी नहीं है अगर कंपेयर करें तो इसमें और इसमें। सी थोड़ा टाइटली हम उसको करेंगे तो अच्छा और अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप देख सकते हैं इतना बेकार रिजल्ट आई थिंक नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस वो थोड़े ज़्यादा फ्लैट है और ज़्यादा स्ट्रेट है, ये थोड़े बाउंसी और स्ट्रेट है। यू कैन सी द रिजल्ट। आई थिंक इससे जल्दी और इतने स्ट्रेट हेयर नहीं हो सकते, और इसमें सेक्शनिंग, और ये भी अच्छी स्ट्रेट है बट इसमें सेक्शनिंग एंड आपका सेक्शनिंग करा मैंने, कोमिंग किया बार बार, और एक एक पार्ट को छोटे छोटे सेक्शंस में किया, और मेरे बाल बहुत खींचे भी इसमें और टूटते भी ज़्यादा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट दोनों ही अपने काम अपने अपनी जगह अच्छे करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं, मेरे को अपने लिए चाहिए या मुझे जाना है तो मैं इसी को ही प्रेफर करूँगी। और हमें जब किसी शादी पार्टी के लिए प्रॉपर स्ट्रेट चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेट चाहिए तो आप कारा शाइन यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को ये थोड़ा वर्थ इट लगे होंगे मेरे दोनों प्रोडक्ट, और मेरे लिए वीडियो वर्थ इट लगी होगी, और आप लोगों की शायद ही किसी काम आ सके मेरी वीडियो, ताकि आप लोग इसे देख सके और इससे इसको देख के आप शायद जज कर सके कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा नहीं, कौन सा आपके लिए वर्थ इट है, कौन सा आइनिंग आपके लिए वर्थ इट है, या स्ट्रेटनर कारा शाइन जो स्ट्रेटनर है, सॉरी स्टाइल केयर ब्रश जो है वो आपके लिए वर्थ इट है। आपको जो ठीक लगे आप बाय कर सकते हैं, मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अपनी जॉब्स अच्छे कर रहे हैं, बट मैं कारश स्टाइल केयर के लिए ज़्यादा क्यों आप लोगों से बोल रही हूँ, ज़्यादा क्यों उसको प्रिफेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जो हम लोग सबसे प्रॉब्लम है वो टाइम एंड हेयर केयर जो हम लोग नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा हीट हमारे बालों में नहीं कर रहा है। आइनिंग में क्या होता है, मैं दोनों तरफ से हीट हमारे बालों को लगती है, उसमें दोनों तरफ से हीट नहीं लग रही है और वो एक नेचुरल स्ट्रेट और बाउंस दे रहा है बालों को, और इसमें प्रॉपर फ्लैट चाहिए जो आप लोगों को मिल जाते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल चॉइस है, मेरा जो चॉइस है वो कारा सॉरी या
forgot the name. Style care ही है, कारा शाइन मुझे बार बार इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मेरे स्ट्रेटनर का नाम कारा शाइन है, इसलिए मैं बार बार कारा शाइन बोले जा रही हूँ. सो गाइज, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए वर्थ इट होगा. एंड प्लीज़ गाइज, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करते रहिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए. मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आपके पास कोई भी आइडियाज़ या आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि आप मुझे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर डालूं. सो गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू गाइस, बाय बाय.